असलम आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेवन जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वलिटीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन पढ़ेंगे कि इक्वेशन हम किसे बोलते हैं इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू सेवन कोई भी दो अलजब्रिक एक्सप्रेशन जिनके के दरम्यान में इक्वल का साइन हो वो कहलाती है इक्वेशन यहाँ पे एक्स हमारे पास वेरिएबल है टू आपके पास कोफ़िशेंट है थ्री हमारा कांस्टेंट है एंड देन सेवन भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है टू एक्स यहाँ पे कहलाती है टर्म थ्री भी हमारे पास एक टर्म है और सेवन भी एक टर्म है यहाँ पे टोटल हमारे पास थ्री टर्म्स हैं और टू एक्स प्लस थ्री यहाँ पर कहलाता है अलजबरी एक्सप्रेशन सो कोई भी दो अलजबरी एक्सप्रेशन जो आपस में इक्वल हों वो इक्वेशन कहलाती है अब ये दोनों वैल्यूज़ देखें आपस में इक्वल हैं कैसे इक्वल हैं अभी हम इसे फाइंड आउट करेंगे इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन हमारे पास है टू एक्स प्लस थ्री इज वल टू सेवन यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे थ्री इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा सो हमारे पास इक्वेशन आएगी टू एक्स इज इक्ल टू सेवन माइनस थ्री देन आपके पास आएगा टू एक्स इज इक्ल टू फोर दैन टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो so यहाँ पे आपके पास आएगा x इज़ इक्ल टू फोर बाई टू देन फोर को टू पे डिवाइड करेंगे सो so यहाँ पे आ जाएगा टू टूज जा फोर आपके पास x की वैल्यू आएगी टू ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे सो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टू इंटू टू प्लस थ्री इज ल टू सेवन यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी फोर प्लस थ्री इज़ इक्ल टू सेवन इन दोनों को आप प्लस करेंगे आपके पास आएगा सेवन इज़ इक्ल टू सेवन सो so, यहाँ पे देखें आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं सो so, प्रूव हो गया कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन है सो so, कोई भी दो अलजबरिक एक्सप्रेशन जो आपस में इक्वल हों वो इक्वेशन कहलाती है आई होप कि आपको इक्वेशन की समझ आ गई होगी नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे अीनियर इक्वेशन में हैव मोर देन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं अीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज़ वन हमारे पास लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल की हाइस्ट पावर होगी वो वन होगी अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर वन से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है हमारे पास जो हाइस्ट वेरिएबल की पावर है वो वन होनी चाहिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन डिग्री इक्वेशन इसको हम वन डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू सेवन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x है सो so x की जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है वो वन है इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे वन वेरिएबल है सो so इसको हम कहेंगे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल एक और इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन यहाँ पे देखें हमारे पास टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई सो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हमारे पास इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे भी देखें कि जो हमारे पास वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर है, वो वन है सो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है ये था हमारा आज का टॉपिक आई होप कि आपको इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़